कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी का लोकसभा पहुंचना संजीवनी साबित हो सकता है, बशर्ते कि उन्हें खुलकर खेलने का मौका मिले। क्योंकि जिस तरह से वायनाड सीट से उनकी लॉन्चिंग हो रही है, उससे तो ऐसे ही लग रहा है कि प्रियंका को सीमित दायरे में रहना होगा। क्योंकि वायनाड कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसी सीट है जहां से पार्टी अपने किसी भी कैंडिडेट को चुनाव जिता सकती है। प्रियंका अगर रायबरेली से सांसद बनती तो निश्चित रूप से कांग्रेस और उसके कार्यकर्ताओं में एक उम्मीद की किरण बन जाती। हालांकि प्रियंका का लोकसभा चुनाव लड़ना ही काफी है, क्योंकि इससे कम से कम इतना तो तय हो जाएगा कि वो सक्रिय राजनीति करेंगी। राजनीतिक मामलों में उनका हस्तक्षेप तो पहले भी था, कांग्रेस के जटिल मुद्दों को सुलझाने में उनकी प्रमुख भूमिका पहले से ही रही है। प्रियंका गांधी ने पार्टी वर्कर्स और कांग्रेस समर्थकों को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रूप दिखता है। उन्होंने कई मौकों पर इसे साबित भी किया है। चुनाव कैंपेन के तरीके में वो जिस तरह आम लोगों से कनेक्ट हो जाया करती हैं, वो उन्होंने अपनी दादी से सीखा है। रायबरेली चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने नेहरू को भी याद किया और इंदिरा गांधी की हार का जिक्र भी किया। वो रायबरेली के लोगों को मैसेज देना चाहती थी और बखूबी दिया भी। वो कहती हैं कि जैसे इंदिरा गांधी को आपने तब सबक सिखाया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सिखाइए। लोगों ने उनकी बात मान भी ली। प्रियंका गांधी का भाषण अमेठी तक पहुंचा, वहां भी उन्हें जन समर्थन मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान को उन्होंने अपने परिवार से जोड़कर जनता से इमोशनली जुड़ने का प्रयास किया। प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान जनता से पूछा कि 55 साल में कांग्रेस ने किसी का सोना या मंगलसूत्र छीना क्या, और ऐन उसी वक्त याद भी दिलाया कि मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश के लिए कुर्बान हुआ। वो जनता से फिर मुखातिब होती हैं और कहती हैं कि जब मेरी बहनों को नोटबंदी के चलते अपने मंगलसूत्र गिरवी रखने पड़े, तब प्रधानमंत्री जी कहाँ थे। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। प्रधानमंत्री जी तब कहाँ थे जब कर्ज तले दबे किसानों की पत्नी को अपना मंगलसूत्र बेचना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर की उस महिला के बारे में क्यों कुछ नहीं बोला जिसे निर्वस्त्र करके घुमाया गया। महंगाई ने आज कितनों के मंगलसूत्र गिरवी रखवा दिए हैं। तो इस तरह से वो जनता को भावुक कर देती हैं कि यहाँ पे अमेठी क्षेत्र में आपने एक राजनीतिक सभ्यता स्थापित की, आपने ही की। ये आपकी जागरूकता थी कि बार बार आपने मेरे पिताजी, मेरी माताजी को जिताया, और इस किसी आधार पर नहीं जिताया। जिस आधार पर आपने जिताया वह यही था यहाँ पे आपके लिए उन्होंने निष्ठा से सेवा की। लोकसभा में कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए ताकत बन सकती है, ये सभी जानते हैं कि लोकसभा में या लोकसभा के बाहर अब कद्दावर नेताओं की कमी हो चुकी है। कांग्रेस के अधिकतर शत्रु पार्टी छोड़ चुके हैं या फिर बुजुर्ग हो चुके हैं। इस बीच प्रियंका का लोकसभा पहुंचना कांग्रेस के लिए नई ऊर्जा मिलने के समान होगा। एनडीए सरकार को घेरने में अब राहुल गांधी अकेले नहीं पड़ेंगे। कांग्रेस सांसदों का भी प्रियंका के आने से उत्साह डबल हो जाएगा। संसद में बराबरी का मुकाबला होगा। जिस तरह लोग संसद की कार्रवाई के दौरान पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को ध्यान से सुनते थे, अब कांग्रेस से राहुल गांधी और प्रियंका की जोड़ी का भी लोगों को इंतजार रहेगा। इसके साथ ही कई मुद्दों पर वो राहुल गांधी से बेहतर बोल सकती हैं। इसमें कांग्रेस की आवाज आम जनता तक पहुंचने में मदद मिलेगी, पर केरल में बांधना ठीक नहीं होगा कांग्रेस के लिए। जैसा अब तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की राजनीतिक यात्रा का इतिहास रहा है, उससे यही लगता है कि प्रियंका को केरल से बाहर कम ही तवज्जो मिले। अगर राहुल गांधी की छवि पर प्रियंका कहीं भारी ना पड़ जाए, इस सोच से कांग्रेस बाहर नहीं निकलेगी, तो प्रियंका को भी काम करने में मजा नहीं आएगा।